महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर फिर एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अयोग्यता मामले में एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। स्पीकर ने नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इन विधायकों को अयोग्यता के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए सभी सबूत जमा करने को कहा गया है। 54 विधायकों को स्पीकर की तरफ से ये नोटिस दिया गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के 40 और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायक शामिल हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब नार्वेकर ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है। वो शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द शुरू करेंगे। इसका और अध्ययन करने के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। इस राजनीति के पीछे के समीकरण को देखा जाए तो इस हफ्ते की शुरुआत में ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर उससे विधानसभा स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश देने की गुजारिश की थी, जिसके बाद नोटिस भेजने का ये मामला सामने आया। विधायक सुनील प्रभु ने शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में पिछले साल शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी, जब शिंदे गुट ने विद्रोह किया था और जून 2022 में राज्य में नई सरकार बनाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपने फैसले में कहा था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी यानी MVA सरकार को बहाल नहीं कर सकती, क्योंकि शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर उद्धव ठाकरे ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया था। पिछले दिनों NCP के अजीत पवार अपने विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार को डिप्यूटी सीएम बना दिया गया था। इस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा 2 डिप्यूटी सीएम हो गए, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। इसके बाद बीते दिन ही शिवसेना के संजय राउत ने दावा किया था कि शिंदे गुट 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। MLA जो है शिंदे गुट के आपसे संपर्क में है? मैंने संपर्क की बात की, साथ में आने की बात नहीं, आज भी संपर्क, उसमें से आज भी 4 लोगों ने मेरे से बात किया। 17 ते 18 आमदार आमच्या संपर्कात आहे आणि हे जसे अजित पवार बोलले, मी खोटं बोललो तर पवार नाव लावणार नाही, आम्ही तेच सांगतो, पुन्हा शिवसेनेचं नाव घेणार नाही, आमच्या संपर्कात आहे, त्यांच्या व्यथा आणि वेदना ते आमच्याकडे मांडत असतात। महाराष्ट्र की राजनीति में कोई न कोई बड़ा अपडेट आ रहा है। अभी भी सरकार और विपक्ष दोनों तरफ अस्थिरता बनी हुई है। अब स्पीकर के नोटिस से महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। देखना होगा आने वाले दिनों में इसका क्या अंजाम देखने को मिलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।